आज हम दो बूंद तेल से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे जो बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल शिवानी बेजल रेसिपीज़ को। मेरी रेसिपी देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करें। गैस पर पैन रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच ऑयल। सिर्फ हम एक चम्मच ऑयल में ही अपना नाश्ता बनाएंगे। इस नाश्ते के लिए हमें ज़्यादा ऑयल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने हींग का यूज़ किया है। आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा क्रैकल होने लगा है तो अब आप इसमें डालेंगे, पहले एक कप पानी डालेंगे। इस नाश्ते में हमें पानी का पूरा नाप से ही डालना है, जिससे हमारा सूजी का नाश्ता बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं इसमें पौना कप, मतलब कि एक कप से, ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा कम, बस इतना पानी ऐड करूंगी, तभी ये नाश्ता सूजी के साथ बहुत अच्छा बन पाएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी अदरक, जिसको कि मैंने ग्रेट कर लिया था। आप चाहें तो यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। पानी में आप देख रहे हैं बॉईल आ रहा है, इसमें डालेंगे एक कप सूजी। आप जितनी भी सूजी लें उसके नाप से पौने दो कप पानी लें। आप किसी भी बर्तन से इसे मेजर कर लें। अब हम फ्लेम को स्लो कर लेंगे और सूजी को डालकर धीरे धीरे मिक्स करेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, नाश्ता दो बूंद तेल में ही बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। अगर आप इस तरह से एक बार नाश्ता बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। अब इसमें सूजी और डालेंगे। सभी सूजी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस समय पर हम गैस ऑफ कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब सूजी अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स हो गई है। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे, उसके बाद हम इसे प्लेट में निकालेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे, जिससे कि हम हाथों से छू सकें, लेकिन हम इसे पूरा ठंडा नहीं करेंगे। फिर अच्छी तरह से हम इसे गूंथेंगे, जिससे ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए। मैंने हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से नीट करूँगी, जिससे कि ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल हमने उसी तरह से इसे 5-7 मिनट गूंदना है। अब इसे हम अच्छी तरह से आटे की तरह गूंद लेंगे, मतलब पूरी तरह से हम इसे चिकना कर लेंगे, जिससे पता ही ना चले कि ये सूजी है। इस तरह से ही आपने मलना है और इसे ऐसे ही चिकना कर लेना है। आप देख रहे हैं मैं थोड़ी देर किया है, कितना चिकना हो गया, बिल्कुल आटे जैसी फॉर्म में आ गया है। बस मैं 2 मिनट और करूँगी, लेकिन जब भी आप इसे बनाना शुरू करें तो पानी और सूजी के मेज़रमेंट को हमेशा ध्यान रखें। आप किसी भी कटोरी के नाप से एक कप सूजी लें और उसी कटोरी के नाप से आप 1.25 कप पानी डाल दें, तो आपकी ये बहुत अच्छा आटा बनकर तैयार हो जाएगा और आपके जो सूजी बॉल्स हैं वो भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। देखिए, आपसे बातें बातों में ही हमारा आटा भी तैयार हो गया है। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। छोटा सा पोर्शन इस तरह से हाथों में लेंगे और इसके इस तरह से गोलाई की शेप देंगे। बस इस तरह से गोल करते रहिए। देखा कितना अच्छा हमारा बॉल बनकर तैयार हुआ है। ये हमने सभी बॉल्स को बना लिया। देखा हमारे कितने सुंदर बॉल्स बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। अब मैंने इस तरह की छलनी ली है, मैं इसे इसमें स्टीम करूंगी। आप पर अगर इस तरीके की नहीं है या आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें भी स्टीम कर सकते हैं, नहीं तो घरों में जो आम छलनी होती है हम इसमें भी इसे स्टीम कर सकते हैं। मैं इसे ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पर हमने पैन रख दिया है। अब इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और फ्लेम को फुल कर देंगे। पानी बॉईल होने लगा है तो इस पर हम रखेंगे ये छलनी और इसमें जो हमने बॉल्स बनाए हैं, क्योंकि हम इसे स्टीम करेंगे
इसमें डालेंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो इस समय पर आप स्टीमर का भी यूज़ कर सकते हैं, और यदि स्टीमर नहीं है तो आप कोई भी छलनी ले लें और इस पर रख दें पानी डालकर नीचे, आप उस तरीके से भी स्टीम कर सकते हैं। यदि भगोना बड़ा है तो नीचे एक प्लेट रख दें और उसके ऊपर छलनी रख कर आप स्टीम करें। अब इसे हम ढक देंगे क्योंकि पानी में बॉयल आ गया है, और मीडियम हाई फ्लेम पर इसे हम 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इन्हें खोल कर देख लेते हैं। वाह, क्या हमारे बॉल्स कितने फूल कर बड़े हो गए हैं और अच्छी तरह से कुक भी हो गए हैं। अब हम गैस को ऑफ करेंगे। अब हम मैं आपको एक बॉल्स निकाल के दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं कितनी स्पंजी हो गई है, कितनी बढ़िया लग रही है। अब इसके लिए हम तड़का बनाएंगे। अब हम अपने सूजी बॉल्स के लिए तड़का बना लेते हैं। पैन में डालेंगे हम सिर्फ एक चम्मच के करीब ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ हमें नहीं करना है, सिर्फ एक चम्मच ऑयल। चारों तरफ फैला लेते हैं ऑयल को। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच राई, एक सूखी लाल मिर्च, थोड़े से करी पत्ते डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे क्योंकि हमारे बॉल्स में तो ऑलरेडी नमक है, सिर्फ मसाले के लिए ही हमने बहुत हल्का सा नमक ऐड करा है। और इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे, इससे ज़रा कलर अच्छा आएगा। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़े से इसमें हम सफ़ेद तिल डालेंगे। सफ़ेद तिल इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, इसकी जगह आप पिसा हुआ नारियल डाल सकते हैं। अब इसको एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच पाव भाजी मसाला। इसकी जगह आप मैगी मसाला, सांभर मसाला इसमें ज़रूर डालें, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। 1 चम्मच के करीब हम पानी डाल देंगे जिससे ये मसाला अच्छे से भुनेगा, तो इसकी बहुत बढ़िया खुशबू आएगी इसमें। बस अब हम इसके अंदर जो हमने बॉल्स बना कर रखे हैं वो ऐड करेंगे। अब इसे ढककर 1 मिनट तक और पकाएंगे जिससे इस पर मसाला अच्छे से कोट हो जाए। देखिए कितना टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। आप इसे बच्चों के टिफिन में या हल्की फुल्की भूख में बनाकर खा सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।